जय गुरुदेव जय जगन्नाथ आपण मान प्रिय कार्यक्रम दिव्यावलोकन आसर को शरणारविंद आपण मान स्वागत करुचे। दर्शक बंधु प्रति अध्याय भली आज अध्याय को आउटिके सुंदर करने आउटिके मधुमय करने आम गहण्य अच्छा समग्र जीवन धर्म आध्यात्मिकता एवं विज्ञान पर समर्पित से पावन आत्मा रेखिमिशन प्रतिष्ठाता विज्ञानी गुरु श्री संथा प्रथम गुरुजी को स्वागत करवा आज दिव्यावलोकन आसर को। जय गुरुदेव गुरुजी। जय गुरुदेव गुरुजी। गत अध्याय आम कदल वृक्ष को नहीं आलोचना जारी रही है आम आशा करी कदमी गच्छ को नहीं कदमी गचर फल हो कदमी गचर अन्य कौन सी अंग हो जहाँ को नहीं आलोचना जारी रखत आम जहाँ चर्चा करूँ कदमी गच को नहीं कदमी पटुका को नहीं गोटे साधारण पर्व रज पर्व एवं भू दौड़ समय आम कहूँ भूमि स्पर्श करवा मना कहीं मना कौन पर मना आमको कह जाऊनला किंतु आम पीढ़ीधर पीढ़ीधरी पाई आसुले ता पचरे विज्ञान ता पचरे तत्व को आम बुझापाई के चेस्टा कर कारण आम आमर जहाँ धर्म थी प्रयोगात्मक तेणु आम जहाँ कि पीढ़ीधर पीढ़ी शुणी आसुले आम व्यवहार में लगे कदमी पटुकार कथा जहाँ आम कहले माध्याकर्षण शक्ति रकुपरिवाही एवं भूपृष्ठ से सृष्टि होता समस्त शक्ति को से न्यूलीफाए करवा निष्क्रिय कर क्षमता केवल कदमी पटुकार ही अच्छी जो कदमी पटुका को चपल कर व्यवहार करा कदमी पटुका को पिंधिकी सी दिन की से मैंने चलप्रचल होते पृथ्वीर चलन अनुसार जदि आम भूतत्व विज्ञान को जाऊ बा एस्ट्रोनॉमी की जाऊ एस्ट्रोलॉजी की जाऊ बा एस्ट्रो साइंस को जाऊ जितने पृथ्वी घूर्णन करुच्छ 365 दिन रे तार प्रत्येक दिन गोटे गोटे नूतन प्रक्रियाकरण अच्छी ये जो आम आघूर्ण कथा कहूचे पृथ्वी निज अक्षांश चारिपटे बुलवा कथा कहे आम से समय रे ठीक ये रज कथा आम चर्चा करूले से रज समय भूपृष्ठर जलराशि ऊर्ध्वमुखी हूँ तत्सहित अनेक गुड़े खनिज पदार्थ एवं अनेक गुड़े रासायनिक क्रिया एवं प्रक्रिया से दिन सृष्टि होता है जमती रजशाला समय आम स्पर्श करने माँ मैंने अगर कौन सी पदार्थ स्पर्श करती ना देवपूजा रहित रुंती निजक से मैंने समाज ठू दूरे की रखती ये से समय ओवर सेंसिटिविटी आम विज्ञान द्रुत उन्नति रे आम एवं कहचे जी सब अंधविश्वास ये सब अंधविश्वास कुप्रभाव फल तीन दिन हो सात दिन हो माँ मान को गोटे दंड दौचे ता नुहे सब बड़े मातृशक्ति पूजा समाज कर मुनि ऋषि माने करी आसी छंती ये सात दिन भितरे कौन कौन प्रक्रियाकरण हुए शरीर भितरे कौन कौन परिवर्तन हुए शरीर सेंसिटिविटी जहाँ को वर्तमान आम ये व्याधि समय रे वर्तमान आम अनुमान करूचे जे सेंसिटिविटी कित्ते अधिका काम दौर जो आम संगरोध को आसिले संगरोध ही रहा जड़े जन को स्पर्श न करवा जे स्पर्शे कित्ते बड़ बड़ व्याधि चली आसे जितेबले शरीर दुर्बल रुहे से स्पर्शे अनेक गुड़े जीवाणु अनेक गुड़े भूताणु शरीर भितर प्रवेश कै जहाँ आज आम उपलब्धि करूचे आज नियम लागू करूचे संगरोधर से संगरोध को जहाँ को बर्तमान माँ मैंने गोटे विद्रोह भाव ग्रहण कर संगरोध जीवन जापन करूँ जे प्रति मसरे आमको तीन दिन हो सात दिन हो संगरोध कहीं करा संगरोध करवा पचरे न्यूनता प्रतिपादन करार कौन सी लक्ष्य नथिला लक्ष्य थिला माँ मानू गोटे सुस्थ शरीर प्रदान करवा गोटे सुस्थ वातावरण पर दवा जो मुनि ऋषि माने अनेक गवेषणा परे गोटे निर्जास पहुँची थे से सात दिन बा तीन दिन समय को विभिन्न आल देख केतबले धर्मर आल देख केतबले समाजर आल देख केतबले शरीरर आल देख गोटे संगरोधर व्यवस्था करते
जो संगरोधर व्यवस्था आज आम उपलब्धि करुचे किंतु माँ मान विद्रोह कर चली माँ मान भितर गोटे विद्रोहर अग्नि एबी उज्जीवित हो अच्छी जितेबले कथा पड़े से माँ मान कहती आम मानते अत्याचार कहीं पुरुष को कहीं स्वाधीनता दिखाई आम को कहीं स्वाधीनता न मिली आम कहीं निर्वासितर जीवन जापन करूँ सात दिन पर्यंत तीन दिन पर्यंत जहाँ पचरे गोटे उन्नततर कथा अच्छी जोटि न्यूनता प्रतिपादन करने कौन सी व्यवस्था करा जाए ना माँ मानकर शरीर को देखी शरीर गठन को देखी एवं आवश्यकता अनुभव करी अनेक गुड़े व्यवस्था सामाजिक स्तर में करा गोटे सुस्थ जीवन जापन करने आज माँ मैंने देखू जदि थायरॉइड कथा पढ़ू प्रोलैक्टिन कथा पढ़ू बा बंध्या दोषर कथा पढ़ू कि ओवरिन सिस्टर कथा पढ़ू रोग को जदि आम देखू जहाँ पूरा काल बर्तमान विज्ञान द्रुत उन्नति सत्वे रोगी संख्या मात्राधिक चली सिस्ट फॉर्मेशन इज बिकम ए कॉमन डिजीज ओवरियन सिस्ट कहीं जो समय रे आमको संगरोध करिबा कथा आम संगरोध करूनी आ उपरे मध्य अनेक तर्क आसी पारे अनेक वितर्क आसी पारे अनेक कुतर्क आसी पारे किंतु तर्क पाई प्रस्तुत होबा उचित एवं विज्ञान सहित जड़ित है मनुष्यर शरीर विज्ञान कौन कहूँ तेज आपंट संगरोध को अस्वीकार करवा ही सिस्ट फॉर्मेशन कारण केवल जे सिस्टर एकमात्र कारण ता कह ठीक हम ना कि मुख्य कारण आज्ञा कहीं जो समय शरीर भितर प्रतिरोधक शक्ति ना से समय आमको संगरोध करतमान पिस्थित को नि बर्तमान परिस्थिति रे आमको संगरोध पाई कुआ जाउचे काहेकि संगरोध रे कोन आमे रोगरु बंची पारिबा बंचिबा केमिति ना जेतेबेले आमे संगरोध करूचे सेतेबेले अन्य काहा द्वारा आमे संक्रमित होउने तेणु संगरोधर मूल लक्ष्य कोन ना संक्रमित न होबा बा संक्रमण रु रक्षा करिबा ठीक सेई न्याय को नै संगरोधर व्यवस्था करा जाइथिला जेतेबेले मां माने गाधोउथिले सेतेबेले सेमाने संगरोध पालन करूथिले जे संक्रमणरु निजकु रक्षा करिबा पाए तेणु बदली चलीचि विज्ञान कथा विज्ञान तत्व आमे पूरा तत्व को काली सकाळे अदरकारी बोली फोपाड़ी देउथिले आज मध्य माँ मैंने अस्वीकार करुछंती जे संगरोध गोटे आम उपरे सामाजिक कलंक सामाजिक कुव्यवस्था किंतु जदि आहुरी तन्न तन्न भाव से माने जानती निज शरीर गठन को देखती पुरुष एवं नारी भितर तुलनात्मक पूर्वर शरीर तुलना हवा आवश्यक जे प्रत्येक अंग जहाँ पुरुष अच्छी ता नारी अच्छी ना ना अतएव दर्शक बंधु ऋतुकाल नारीपाई संगरोधर आवश्यकता केते बेसी ए संगरोध पछरे वैज्ञानिक कारण कौन रही जहाँ को अस्वीकार करी आज आम विविध रोग से पीड़ित होती मो माँ मैंने मो भौनी माने आम समय नारीकूल ये विषय विज्ञान भित्तिक तथ्य प्रदान करिचंती विज्ञान गुरु एमती आहुरी अनेक तथ्य आपण मानक मिलिबो आम भयंकर तो कहीपरबानी परिस्थिति को विज्ञान उन्नति अनुसार चिकित्सार मध्य उन्नति घटुची भयंकर नहले मध्य मारात्मक नहले मध्य जंत्रणादायक व अनेक समय अनेक माँ मानकर मातृत्वर मध्य रक्षा पाउछंती तेणु आमर चर्चा थिला गछ को नहीं से चर्चार गोटे प्रसंग गुरुजी यह भी कौन बंध्या दोष कारण हो पारे बंध्या दोष पचर जिते कारण अच्छे यह भी आउ गोटे कारण ये मध्य गोटे कारण हो पारे कारण बंध्या दोष पाई आम जितेबले कारण कथा कहे ऋतुस्राव जदि सठिक हुए मातृत्व सठिक हम ऋतुस्राव रे जितेबले असुविधा आसुची केतेबेले आसुची ना जितेबले ओवरियन सिस्ट रहुची जहाँ मेडिकल साइंस बा चिकित्सा विज्ञान जहाँ कहुची जो गोटे मुख्य कारण होची जितेबेले ओवरियन सिस्ट होची सेतेबेले ऋतु चक्र रे परिवर्तन आसुची जितेबेले ऋतु चक्र रे परिवर्तन आसीबो सेतेबेले गर्भधारण रे मध्य विभिन्न प्रकार असुविधार सम्मुखीन हेबे मां माने तेणु ई जो आमे
माध्याकर्षण शक्ति कथा कहुचे बा संक्रमित रोग कथा कहुचे तो अनेक गुड़े रोग माटी शरीर भितर को प्रवेश करे एवं ये जो घूर्णन होचे घूर्णन फल जो प्रकार प्रक्रिया रे परिवर्तन हुए तार मध्य प्रभाव शरीर उपर आसे एवं शरीर जो अंग गुड़िक भगवान सृष्टि करिसें से अंगर मध्य प्रभाव विस्तार हुए जो पुरुष मानक अपेक्षा अधिका नारी माने संक्रमित होती कारण भगवान सेमती अंग दे सृष्टि करिसें तो आम अस्वीकार करना बरं ताकु केमिति सुबंदोबस्थित भाव सुव्यवस्था भितरे ये प्रकार जो परिस्थिति के आम जाऊे से परिस्थिति को केमिति सम्मुखीन करिपारिबा संगरोध नकरी मध्य संगरोधर सुप्रभाव केमिति आम शरीर उपर विस्तार हो पार से कथा आम चिंता करिबा से विषय चिंता करिवार समय आसी सब प्राच्य कथा को आम पुरातन कथा अंध विश्वास लोक कथा दंत कथा ये भली कही ये भली संबोधन करी ताकु आम सामाजिक जीवन रु काढ़ी फोपाड़ी दबा आम पक्षरे केबे गुटे उचित पदक्षेप हबो नाही तो सबु विषय आमको चर्चा करिवा को पड़िबो एवं सबु विषय आमको परीक्षा निरीक्षा करिवा को पड़िबो प्राच्यर कथा को विज्ञान गाररे वर्तमान परीक्षा करिवार सठिक समय काहीं कहा जाइला ता पछरे कौन कारण अच्छी तार निराकरण कौन तार सुप्रभाव कौन ताद्वारा कौन लाभ हो पार सब विषय को आम तन्न तन्न भाव में परीक्षा करवा दरकार आम मुख्य प्रसंग को आसी आम कदमी पटुकार कथा चर्चा होते कदमी गचर कथा चर्चा होते जे कदमी पटुका केमी व्यवहार करा कदमी पटुका हूँ कुपरिवाही कौन रुपरिवाही ना कौनसी प्रतिक्रिया कौनसी क्रिया जेतबले हुए से क्रिया को क्रियाहीन करिबा पाई जो प्रतिक्रियार आवश्यकता अच्छी से प्रतिक्रिया ये कदमी गछर जो पाटुका अच्छी तार तंतु भितरे ही लुकायित होकर अच्छी आम सबु वृक्षर तंतु को देखिबा एवं सबु जेमते आम कहे लुगा किणला पूर्व बुणा देखुचे सेमती प्रत्येक गछर छाली को देखिबा गंडी को देखिबा तार जो बुणा है गटिंग स्टाइल कदमी गछर जो बुणा से बुणारे आकाश पाताल भिन्नता से भिन्नता काहीं आसी भितर से प्रतिक्रियाशील कदमी गछ को जे बाह्य कुशक्ति से प्रतिरोध कर कदमी गछ आम जितेबले चर्चा करूले जे बाहर लोकंर द्वारा जदि कौन पर कुप्रभाव पड़ुची बाहर लोक कहवा द्वारा परिवार भीतर जदि अशांति सृष्टि होती कदमी गछ वायुकोण में लगेबा पाए तार विज्ञान मत ये अंधविश्वास नुहे जितेबले बाह्य लोकंर चिंताधारा प्रवेश करे घर भीतरे प्रतिरोध करिवार शक्ति केवल कदमी गछर अच्छी भगवान ताको एमती यानी जिते जो थट आसूँ जमी आम बेले बेले एवं तो टीवी जुग है रेडियो जुगरे जो आम रेडियो गोटे सेंटर लगोले गोटे सेंटर बाजिला भितर आ गोटे सेंटर ओभरलाप कर पशी आसूला आम अनिच्छा सत्वे आम गोटे बैंड लगोचे आ गोटे बैंड कार्यक्रम चली आसूला केमी आसूला ना बै टचिंग दैट एयर वे जो वायुर तरंग अच्छी से तरंग को मध्यम कर आउ गोटे कार्यक्रम पशी आसूला से तरंग भितर को ठीक सेमती आम तरंग भितर को आउ अन्य मानकर चिंताधारा रो तरंग प्रवेश करी जाए जो आम घरे अशांति देखा दिए तब दर्शक बंधु गोटे तरंग भितर को आउ गोटे तरंग प्रवेश करने परिणाम हुए सामाजिक अशांति और पारिवारिक अशांति कदमी वृक्षर पाटुका बा पासुंगार कथा आलोचना करू करू आम पहुँचुचु विविध प्रसंग पाखे और प्रति प्रसंग को गुरुजी बड़ चमत्कार ढंग से आपण निकट उपस्थापन कर पहुँचाऊँ जितेबाला आम चिंताधारा जहाँ आम चिंताधारा अनुसार आम कार्य नक अन्य मानकर चिंताधारा आम चिंता भितर प्रवेश करे एवं आम अन्य मानक द्वारा परिचालित होते घरे अशांति देखा दिए से अशांति को दूर करने
ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ବା ତାକୁ ଗତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ଅନ୍ୟର ଚିନ୍ତା କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରେ ନା ବାୟୁକୁ ବାୟୁର ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗ ଅଛି ବା ପବନର ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେଭ୍ ସେ ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗ ଅଛି ସେ ତରଙ୍ଗକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଦ ୱେଭ୍ ଅଫ୍ ଅଦର୍ସ ଟଚ୍ ଦ ୱେଭ୍ ଅଫ୍ ଦ ନେଟିଭ୍ ପର୍ସନ୍ ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ୱେଭ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗ ଅଛି ସେ ତରଙ୍ଗକୁ ତରଙ୍ଗାୟିତ କରି ପୁଣି ଯେଉଁଠୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଇଠିକି ଫେରାଇ ଦେଲେ ଯେଉଁ ନେଟିଭ୍ ଅଛି ବା ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ପରିବାରରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆବେଗ ଭରି ରହିଥାଏ ଇମୋସନ୍ସ ଇଜ୍ ଦେୟାର୍ ତ ସେ ଯେଉଁ ଆବେଗ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ଉଭୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହେଇକି ଅଛେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ଆବେଗ ଜଣେ ଜଣକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଗୋଟେ ଆବେଗ ଏ ଯେଉଁ ଆବେଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହେଇକି ଅଛେ ତାହା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଏବଂ ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟି ଗୋଟେ ଏକତାପଣ ସବୁବେଳେ ବଜେଇ ରହିବ ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଏକତାପଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବାୟୁ କୋଣରେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ସେ କଦଳୀ ଗଛ କାହିଁକି ଲଗାଇବାର ତା'ର ଯାହା ପ୍ରମାଣ ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ରଜ ସମୟରେ କଦଳୀ ପାଟୁକାକୁ ପିନ୍ଧୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତା'ର କୁପରିବାହୀ ଗୁଣ ପାଇଁ ତେଣୁ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ତରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେ ତରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଅପ୍ଟିକ୍ ନର୍ଭ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ତା'ର ଯେଉଁ ଟିସୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯେଉଁ ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ପାୱାର ଥାଏ ବା ଏତେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଥାନ୍ତି ଯାହା ଅନ୍ୟ ତରଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରେ ଏବଂ ତା ବେଗକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ ବା ଯେଉଁଠୁ ସେ ତରଙ୍ଗ ଆସିଥାଏ ସେ ତରଙ୍ଗକୁ ଫେରାଇ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଦନ୍ତ କଥା ବା ଲୋକ କଥାର ଉକ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଶୁଣିଛେ ଯେ ଜଣଙ୍କୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ନା କଦଳୀ ଗଛରେ ଲବଙ୍ଗ ଖୋସିଦେବ ରାତିରେ ସେ ଲବଙ୍ଗ କ'ଣ କରିବ କଦଳୀ ଗଛରୁ ପାଣି ଯେଉଁ ରସ ଅଛି ସେ ରସ ସଂଗ୍ରହ କରି ଫୁଲିଯାଏ ତାକୁ ଯଦି ଦିଆଯାଏ ତା'ର ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରଭାବ ରୁଖେ ବା ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁ ପାଟୁକା ଅଛି ସେ ପାଟୁକା ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଥାଏ ଯାହା ହୁଏତ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ଲବଙ୍ଗ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସେ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଅମୃତ ହୋଇଯାଏ ଏଠି ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଯେ ପାଟୁକା ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିଛି ସେ ସଞ୍ଚିତ ଗୁଣକୁ ଆମକୁ ସତ୍ ପଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ସ ବା ସାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ସାର ଯଦି ମାତ୍ରାଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ବିଷରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ସାର ଯଦି ମାତ୍ରା ତା'ର ଯେତିକି ମାତ୍ରାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବା ଆବଶ୍ୟକ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଦେଉଛେ ସେତେବେଳେ ତା ଅମୃତ ସମ କାମ କରୁଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ପଦାର୍ଥ ତା'ର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି ସେ ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ ଭଲମନ୍ଦ ସେ ଗୁଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଯେଉଁ କୌଶଳ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ସେ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ଭଲମନ୍ଦର କଥା ତେଣୁ କଦଳୀ ଗଛର ଯେଉଁ ଭଲ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କେମିତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ କେବଳ ଯେ ତା'ର କଞ୍ଚା ଅଙ୍ଗ କଥା ଆମେ କହୁନେ ପାଟୁକା କଥା କହୁନେ କଞ୍ଚା ପତ୍ର କଥା କହୁନେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ିକି ପଡ଼ିଯାଏ ମାଟି ତଳେ ବା ମାଟି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଆମ ଘରକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ମାଟି ଅଂଶକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜର୍ମରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମାଟି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ପଟାସ୍ ଅଧିକା କଣ୍ଟେନ୍ସ ହୋଇକି ଥାଏ ସେ ଯେଉଁ ପଟାସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ମାଟି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଶୁଖିଲା ପାଟୁକା ଆସି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆସି ଯେଉଁ ପଟାସ୍ ତିଆରି କରେ
ମାଟିରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜର୍ମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ପଟାସ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ତ ମାଟିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଦଳୀ ଗଛର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ କଦଳୀ ଗଛର ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ଗୋଟିଏ ବରଦାନ ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆମେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଧରୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଗଛ ଯେଉଁ ଗଛ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼େ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଛର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ହୃଦୟ ସହକାରେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଏବଂ ତା'ର ଉପସ୍ଥିତିକୁ କାମନା କରୁ ଏବଂ ତା ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଜାହିର କରୁ ଏବଂ ଏମିତି ଗଛ ଯାହା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଙ୍ଗ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଙ୍ଗ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ତେଣୁ ଏପରି ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରଥମତଃ ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଘରରେ ଦେବତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବା ମାନସିକତାରେ ଦେବ ଆତ୍ମାର ସଂସ୍ପର୍ଶ କରାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଦଳୀ ଗଛ ଦେବକୋଣରେ ବା ବାୟୁ କୋଣରେ ନିହାତି ଲଗାଇବା ଦରକାର। ଯଦି କାହାର ଜାଗା ନାହିଁ ତାହେଲେ କୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ବାୟୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେତେବେଳେ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ଆସେ ସେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ତାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଆମମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶକୁ ଆସେ ଏବଂ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତା ପ୍ରଦାନ। ଆମ ଆଖିକୁ ସାଧାରଣ ଗଛ ଲାଗୁଥିବା କଦଳୀ ଗଛ ପଛରେ ଏତେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, କଦଳୀ ଗଛର ଏତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଆମ ଶରୀରକୁ ଆହୁରି ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ କଦଳୀ ଗଛର କ'ଣ କ'ଣ ଭୂମିକା ଅଛି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ବିଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ସନ୍ଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ହୋଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେବାର, ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଦାୟ ଦେବୁ ବିଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ସେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।